हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर वॉइस ओवर भी साथ में कर रहा हूँ एंड वीडियो भी साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज इस वीडियो में हम क्रेट ओपनिंग करने वाले हैं तो ओपी रिएक्शन आएंगे। सो इस वजह से मैंने सोचा वीडियो भी साथ में रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड वॉइस ओवर भी साथ में कर लेते हैं। तो कमेंट करके बताना तुम लोगों को एक्सपीरियंस कैसा लगा वॉइस का और वीडियो का, एंड अगर पीछे से कोई भी बैकग्राउंड नॉइज आती है तो उसे इग्नोर कर देना एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ से शेयर कर देना, बिकॉज हमें जल्दी से 4K सब्सक्राइबर्स, 100K सब्सक्राइबर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत दूर जाना है। तो शेयर ज़रूर से करना एंड कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना। एंड तुम लोगों से जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था कि तुमने अगर इस वीडियो में 35 लाइक कंप्लीट हो जाती है तो हम ओपन करने वाले हैं ये वाले क्रेट्स, गन क्रेट्स में सारे ओपन कर दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। जैसे इस वीडियो में 35 लाइक कंप्लीट्स होते हैं मैं गन क्रेट्स सारे ओपन कर दूंगा, सो जो कि तुम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हो तो मैं मेरे महीनों से सेव किए हुए क्रेट्स खोल दूंगा एंड तुम लोगों ने वो लाइक्स कर दिए। तो चलो फिर आज की वीडियो हम क्रेट ओपनिंग करने वाले हैं, बट उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड उससे बोल देना कि वो भी आगे ज़रूर से शेयर कर दे। तो गाइस देख सकते हो मेरे पास क्रेट्स हैं, क्यूपिड स्कार है, क्यूपिड स्कार की जगह मेरे पास एक और स्कार है, नाम मैं भूल गया, आई थिंक मेगा ऐसे ही कुछ है, तो उसका नाम मैं भूल गया। क्यूपिड स्कार के मैंने आई थिंक 100 क्रेट्स खोले होंगे, फ्री वाले खोले थे, मैं क्रेट्स कभी भी डायमंड से परचेज नहीं करता तो उसमें नहीं निकली थी, बट अभी ऐसा लग रहा है कि चांसेस हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारी क्रेट ओपनिंग। सबसे पहले तो हम देखो ये वाले फ्रेगमेंट क्रेट जो कि हैं बेकार वो खोल देते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे हम हमारे मेन चीज़ के ऊपर। सबसे पहले मैं ये खोल देता हूँ जो भी है एयर ड्रॉप वाले और ये पेट वाले क्रेट हैं, सबसे पहले मैं ये खोलूँगा। ओके, इसमें तो पेट और डायमंड रॉयल वाउचर ही मिलेंगे, डायमंड रॉयल वाउचर जितने मिले उतना अच्छा है। ओके, तो नहीं ये बचे हैं 4, इसे भी खोल दो और फिर उसके बाद शुरू करते हैं हमारी क्रेट ओपनिंग। सबसे पहले हम जाएंगे कैरेक्टर में, कैरेक्टर में जाने के बाद हम लेंगे हमारा एडम, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि हमें वो आइटम मिल सकता है। तो चलो फिर हमने ले लिया एडम जो कि प्राइमेसिस हो चुका है, बट कोई बात नहीं, हम उसे एडम बोलेंगे। तो अब चलते हैं गाइस क्रेट्स में। सबसे पहले मैं ये तो बिल्कुल एंड में खोलूँगा यार, सबसे पहले हम खोलने वाले हैं ये फ्लेमिंग स्कल वाला M4A1 का, जिसका डबल डैमेज, सिंगल मैगजीन और एक्यूरेसी माइनस है। सबसे पहले इसके 5 क्रेट एक साथ खोलेंगे। ओके गाइस, SKS मिल चुकी है हमें, SKS फ्लेमिंग सोल, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ओके वाओ, लग रहा है आज लक अच्छा है। सबसे पहले अब बारी है गाइस हमारी MP40 स्नीकी क्लाउन, नहीं यार जो ऐसी बढ़िया चीज़ें ना उन्हें हम लास्ट में खोलेंगे, फार्मास वैम्पायर। ओके, इस वाली को खोलते हैं। ओके, इसमें से कुछ नहीं मिला, मुझे चाहिए भी नहीं थी, ये वाली चाहिए मुझे, तो ये भी हम एंड में खोलेंगे, जो फेवरेट है वो एंड में खोलेंगे। ये वाली मेरे पास है। ओके, ये नहीं है, M249 वाली नहीं है, तो M249 वाली खोलेंगे। सारे क्रेट्स खोलने पड़ेंगे बिकॉज एक ही था क्या उसका, हाँ आई थिंक एक ही था उसका। ओके, कोई ना, ये बाद में खोलेंगे, अभी वाली इस कार का खोलते हैं, इसका फैंटम एसेशियन। ओके, नाम गलत प्रोनाउंस करा हो तो सॉरी, ठीक है ओपन करते हैं। ओके गाइज ओपी, अरे ये मतलब यार आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग चल रहा है, इस कार भी मिल गई बहुत बढ़िया। ओके, अब बारी है फार्मास की। ओके, फार्मास वैम्पायर नाम नहीं पता मुझे इसका, खोल दिया, ये परमानेंट नहीं मिली, चाहिए भी नहीं थी यार सच में। स्कार मिल गई, SKS मिल गई, ओपी। अब एक एक क्रेट्स खोलेंगे, 5-5 करके खोलेंगे एंड ये थी मेरे पास। ओके, सब कुछ है तो इसके पूरे मैक्स करके खोल देते हैं। ओके, जो है वो नहीं चाहिए, उसकी जगह अगर रेड टोकन्स दे दो तो और बढ़िया बात है। UMPA वाली चाहिए नहीं थी मुझे, बट मिल जाती तो अच्छी बात होती। ओके, M4A1 है डबल रेट ऑफ फायर वाली, ये वाली मिल जाए तो भी अच्छा है, ये भी नहीं मिली। ओके, देखते हैं गाइस कौन कौन सी गन स्किल मिलने वाली है, कौन कौन सी नई, 5-5 करके खोलेंगे। यार मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा है कि M4A नहीं, SKS की स्किन मिल गई परमानेंट और एक स्कार की लेजेंडरी गन स्किन मिल गई OP। ठीक है, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं मिला, बट इसके और क्रेट्स हैं जो कि हम 5-5 करके खोलने वाले हैं एंड इसमें भी कुछ नहीं मिला मैक्स, और खोल देते हैं, इसमें भी कुछ नहीं मिला। मुझे क्रेट ओपनिंग बोरिंग लगती है जब तक कुछ मिलेगा नहीं। ये MP40 मुझे लगती नहीं है कोई
इसकी नहीं है ये UMP, ओके रेंज माइनस है और मैगजीन डबल, कोई ना बेकार है वो तो सबको पता है, बट कलेक्शन में आ जाएगी। ठीक है लॉन्चर की भी स्किन है, लॉन्चर मिल जाए तो और अच्छी बात है, बिकॉज लॉन्चर की कम स्किन है। ठीक है कुछ नहीं मिला, आप किसकी बारी है, ग्रोज़ा, ये भी सब कुछ है तो इसे पूरे क्रेट से एक साथ खोल दूंगा। एंड देख लो ये भी थी तो इसकी वजह स्कैनर मिल गया। अब ओक पार्टी एनिमल वेपन लूट क्रेट, इसे ओपन करते हैं, कुछ भी नहीं मिला यार। M500 की स्किन मिल जाती काश, एक विंटरलैंड वाली, इसके पूरे क्रेट्स खोलूँगा। ये भी थी क्या यार, ये कौन सी गन स्किन है, स्टार जनरल डबल डैमेज सिंगल रेंज, ओके ओके कुछ नहीं मिला, सैड लाइफ। और गाइज अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को ऊपर सेट कर देना। अब हम लोग खोलने वाले हैं विंटर लैंड M1014 वेपन लूट क्रेट, तो ओके ओपन करते हैं। इन्हें भी मेरे पास थी, वाह UMP है पम्पकिन फ्लेम लूट क्रेट वाली, ओके नहीं निकलेगा, अब कुछ नहीं निकलेगा, इतना सब कुछ मिल गया। थोड़े से क्रेट्स और खोलूँगा, उसके बाद जाकर कैरेक्टर चेंज कर लूँगा। ये भी है तो ठीक है, इसे फुल खोल लेते हैं। ठीक है ओके ये भी है मेरे पास तो इसे भी खोल लेते हैं। अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी गन स्किन है और कौन कौन सी नहीं है, जो होगी वो सारी खोल दूँगा और जिसकी नहीं होंगी उसके लिए मैं जाकर कैरेक्टर चेंज करके लाऊँगा। ओके एम्पीरियल रोम है, ये वाली भी नहीं है, ये भी नहीं है, ओके ये वाली है तो ठीक है, इसके सारे क्रेट्स ओपन कर देते हैं। मेरे पास शायद सबसे ज़्यादा स्किन स्कार की होंगी यार, नहीं ये वाली नहीं खोलनी, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, हाँ ओके वैलेंटाइन्स वेपन लूट क्रेट खोल दिया। आई थिंक अब कुछ भी नहीं बचा, नहीं नहीं एक है, ये रही सांटाज गन क्रेट। ठीक है सब कुछ खोल दिया, आई थिंक नहीं अभी है, ये कौन सी आ गई रेड समुराई वेपन लूट क्रेट, ओके तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई थिंक अब सब कुछ खोल दिया मैंने जो जो मेरे पास था उसमें से। ओके ठीक है गाइज अब बारी आ चुकी है हमारी और लेजेंडरी चीज़ खोलने की, तो चलते हैं वो करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर चेंज। कैरेक्टर अब मैं लेने वाला हूँ ईव, जिसका नाम हो चुका है नल्ला, ओके कोई बात नहीं छोड़ो। और अब चलते हैं गाइस वॉल्ट में, और अब मैं खोलने वाला हूँ बाकी की और लेजेंडरी गन स्किन्स। सबसे पहले हम खोलेंगे हमारी स्कार जो कि परमानेंट नहीं मिली, फिर खोलेंगे M82B जो कि परमानेंट नहीं मिली, ओके परमानेंट यार कुछ तो दे दो कुछ तो दे दो। M4A1 है वाइल्ड कार्निवल वाली, ये भी परमानेंट नहीं मिली, कुछ भी मत दो, चलो ठीक है कुछ भी मत दो बट प्लीज़ प्लीज़ पोकर बोल रहा हूँ सॉरी, क्यूपिड स्कार ज़रूर से दे देना प्लीज़, क्यूपिड स्कार चाहिए मुझे यार, ये वाली भी अच्छी है बट ये नहीं मिली, कोई बात नहीं। ये कौन सी आ गई लूज़, ओके पता नहीं क्या नाम था, मैं खोल रहा हूँ यार बहुत स्पीड में खोल रहा हूँ अब मैं, इसे भी बाद में खोलूँगा बिकॉज ये भी मुझे चाहिए ही चाहिए। जस्टिस फाइटर की भी नहीं मिला कुछ भी, ओके ये खोलते हैं डेमो लेटिन और इस्ट, अरे छोड़ो यार MP5 खुल गई यार, MP5 निकल गई, सब कुछ एंड में जाकर देखेंगे। OP बहुत OP बहुत OP यार, वॉयलेट टेरर वाली भी है, ओके इसमें शॉटगन मिल जाए प्लीज़ शॉटगन, नहीं यार शॉटगन नहीं मिली, मुझे शॉटगन चाहिए थी। एंड कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है यार, विंटर लैंड्स वेपन लूट क्रेट MP40 चाहिए ही नहीं। तो गाइस अब हमारे पास सिर्फ ये वाले क्रेट्स बचे हैं जो कि लेजेंडरी हैं। एंड अगर तुम लोगों को लग रहा है कि वीडियो कट हुई है तो तुम लोग बिल्कुल ठीक हो, बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही थी इसलिए उन्होंने सोचा वीडियो कट करते हैं एंड दोबारा से बनाते हैं। तो ठीक है अब ये वाले क्रेट्स बचे हमारे पास, ज़्यादा नहीं है कम ही है, तो सबसे पहले मैं ये वाला खोल लेता हूँ शार्क अटैक, कि मेरे से मिस हो गया था जब मैं मेरे वो वाले खोल रहा था जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो ठीक है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, ओके ठीक है मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये जो लेजेंडरी है ना क्यूपिड स्कार एंड MP40 और ये SKS तो मुझे ये चाहिए यार, बिकॉज ये गन स्किन बहुत OP है,
ओके, इसमें से कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि जब मैं मेरे फेवरेट क्रेट्स खोलने जाऊँ तो मुझे अपना कैरेक्टर चेंज करना है, ठीक है। ओके गाइस, ओके, हम एक M79 डेडली बैट मिल चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, आज का लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल रहा है। ओके, तो इसका 100 वेपन लूट क्रेट है, खोल लिया, कुछ भी नहीं मिला। फार्मेसी वाली मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब बारी M4A1 फ्लेमिंग स्कल की, जो कि नहीं मिली यार। जल्दी जल्दी इन क्रेट्स को ख़त्म करना है, और फिर मुझे देखना है कि वो वाले क्रेट्स जो कि मुझे चाहिए, मतलब जो कि गन स्किन मुझे चाहिए, वो मुझे मिलती है या नहीं। ये वाली तो नहीं मिल रही। ओके, तो वो वाले तो देखो मैं एंड में खोलूँगा। वैसे भी ये फैंटम वाली खोल लेता हूँ, इसकी स्कार मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। ओके इन गाइज, अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट कर देना, एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर देना। तो अब खोलने वाले हम M1014, देखते हैं इसमें से हमें परमानेंट मिलती है। नहीं मिली। ओके, वेनम वाली मेरे पास ऑलरेडी है, एंड ये वाली मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आई थिंक जो क्रेट्स मेरे फेवरेट हैं वो वाले अब बच चुके हैं, तो अब मैं उन्हें ओपन कर। ओके गाइस, हमें बुया वाली ग्रोजा मिल चुकी है, जिसके स्किल्स मुझे अभी तक पता नहीं है। डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल डैमेज एंड रेंज माइनस, तुम लोग पीछे देख सकते हो इस साइड से, यहाँ से दिख रही है। ओपी भाई, मतलब यार कितना अच्छा लग चल रहा है फिलहाल। तो ठीक है, मैं कैरेक्टर चेंज नहीं करूँगा, सबसे पहले हम खोलेंगे हमारी P90। ओके, मुझे पता था ये नहीं मिलेगी परमानेंट। उसके बाद हम खोलेंगे हमारी MP40, दो क्रिएट करके नहीं मिली। और अरे यार सॉरी, मैंने गलती से एक ही खोल दिया, ठीक है। अब पूरे फुल खोलूँगा, देखते हैं। 3, 2, 1, नहीं मिली। इसे देखते हैं, इसे एक एक करके खोलूँगा। उसके बाद एक लास्ट होप रहेगी हमारे पास क्यूपिड स्कार की। क्यूपिड स्कार के क्रेट्स में साथ में खोलने वाला हूँ। ओके ठीक है, कुछ करना चाहिए क्या यार, कुछ ऐसा कैरेक्टर। ठीक है, मैं प्राइमिस को वापस ले लेता हूँ, प्राइमिस को, एंड देखते हैं मुझे क्यूपिड स्कार मिलेगी भी या नहीं, बिकॉज क्यूपिड स्कार फेवरेट गन है यार मेरी, ठीक है। क्यूपिड स्कार प्लीज़। 3, 2, 1, नहीं, प्लीज़। ओके, क्या मतलब, मैं अब रोऊंगा। ठीक है गाइज, जो भी मिला ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी मिला या कुछ नहीं मिला उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है। सबसे पहले कैरेक्टर चेंज कर लेता हूँ। अब वेपन में चलने का टाइम आ चुका है। जो गन परमानेंट मिली है, एक के तो मुझे नहीं मिली परमानेंट, तो ठीक है मैं जो परमानेंट मिली है वो दिखाता हूँ। अरे यार बार बार क्यों बेक हो रहा है, रुको। क्यूपिड स्कार 13 डेज के लिए मिली है मेरे, इसके बदले ये वाली है जो कि बहुत ओपी है। 30 डेज के लिए ये वाली मिली है, और परमानेंट ये मिली है। इसे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड अगर बात करें ग्रोजा की, तो हमें मिल चुकी है ये वाली। अच्छा, इसकी स्किल कुछ और है, वो और किसी गन की स्किल थी। ओके, मैं फालतू में खुश हो रहा था। ग्रोजा एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों ओपी है। सबसे ज़्यादा ओपी ये वाली विंटरलैंड। एंड उसके बाद करें फार्मर्स की, तो फार्मर्स भी कुछ भी नहीं मिली, ठीक है, या मिली है नहीं, फार्मर्स नहीं मिली। एंड एक्समेट के बारे में बात करें, एक्समेट भी नहीं मिली, ठीक है। मार्क्समैन राइफल्स में SKS जो चाहिए थी वो नहीं मिली, बट अभी के लिए इसे इक्विप कर लेता हूँ। SKS ये वाली बेकार है। एंड मशीन गन में अगर मैं बात करूँ, M60 में भी कुछ भी नहीं मिला। हाँ, हमें SMG में हमें कुछ भी नहीं मिला क्या? SMG में हमें ओके ये मिला है, जो कि कुछ भी बेकार है। एंड ये मिली है 21 डेज के लिए, जो कि मुझे नहीं चलानी। और ये मिली है, जो कि ये भी मुझे नहीं चलानी। इससे अच्छे अच्छे स्किन्स हैं मेरे पास। UMP में देखा जाए तो UMP में भी बहुत कुछ मिला है। ओके, ये वाली गन स्किन मैंने नहीं देखी थी, प्राइवेट आई वाली, ठीक है। शॉटगन में स्पास की कोई भी स्किन नहीं मिली ना? हाँ, स्पास की कोई भी स्किन नहीं मिली हमें।
एंड स्नाइपर में हमें कार 98Z की भी कोई भी स्किन नहीं मिली आई थिंक। मैं कार 98Z की बोलता हूँ, इसे इसका नाम ओनली कार 98 है, पर इसका कार 98K है। ओके फैक्ट। और शॉटगन में ये वाली मिली है, राइफल्स में M4A1 मिली है जो कि पहली गन स्किन मिली थी हमें परमानेंट। नहीं कुछ भी नहीं मिला क्या यार इसमें? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मिला होगा या नहीं मिला पता नहीं यार, मुझे वीडियो वापस देखनी पड़ेगी। एंड इसके अंदर भी कुछ भी नहीं मिला। ओके शॉटगन्स की स्किन मैंने चेक तो कर ली ना, अब क्या बचा हुआ? ये वाली। ओके देख ली, एक एक कितनी स्किन निकल गई यार इसे, प्राइवेट आई वाली। ओके ठीक है, और वेपन अब क्या बचा यार वेपन में? अदर्स के अंदर हाँ लॉन्चर की एक स्किन मिली है ये वाली, ठीक है। मुझे रेड डॉट हटाने पसंद नहीं है, ठीक है। चलो गाइज होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज मैंने अपनी महीनों से सेव किए हुए क्रेड्स बर्बाद कर दिए। होपफुली तुम लोगों को मज़ा आया होगा, मज़ा आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड कमेंट करके बताना तुम लोगों को कैसा एक्सपीरियंस लगा वॉइस ओवर प्लस वीडियो साथ में रिकॉर्ड करने का। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना एंड एक कमेंट एक लाइक ज़रूर से कर देना, बिकॉज ये दोनों चीज़ें फ्री रहती हैं, फ्री तो सब्सक्राइब भी रहता है तो उसे भी कर दो एंड शेयर भी रहता है तो वो भी कर दो। हम मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।